नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम नॉर्थ केरला मालाबार रीजन में हैं। आज की जर्नी हम कन्नूर से कोड़ीकोट के लिए करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कैलीकट कहते हैं। दिन काफी लेट स्टार्ट हो रहा है, 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। दिन की शुरुआत हम कन्नूर फोर्ट से कर रहे हैं, जिसको सेंट एंजेलो फोर्ट भी कहते हैं। बाहर मैंने देखा स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं काफी सारे, उनके लिए पिकनिक / फोर्ट विजिट। यहाँ पर मेरी मुलाकात मिस्टर गोकुलन से हुई है, केरला टूरिज्म पुलिस। सर, कैन यू प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट? यस, आई विल एक्सप्लेन टू यू सर। दिस फोर्ट बिल्ट बाय द पोर्चुगीज इन 1505, देन 1663 डच पीपल कैप्चर्ड एंड 1772 डच पीपल सोल्ड दिस फोर्ट द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी अरकल अली राजा टू सोल्ड 1 लाख रुपीज एंड फाइनली द 1790 द ब्रिटिश केम एंड कॉन्क्वर्ड दिस फोर्ट टिल इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ऑक्युपाइड दिस फोर्ट। The Portuguese and Dutch people, they were using in this fort for trade purpose, but British people, they were using a big military station maintained here. This is the small history of the fort, sir. Great. अभी सर से मैं डिस्कस कर रहा था, 2015 में यहाँ पर तोप के गोलों की डिस्कवरी हुई जो ब्रिटिशर्स टाइम के हैं, लगभग 36,000। अदर थिंग, इन्होंने हमें वेल दिखाया, वहाँ पर फ्रेश वाटर आता है, जबकि सी से एकदम पास है, सॉल्टी वाटर नहीं है। फोर्ट से जब आप सामने अरेबियन सी देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, तो क्योंकि ये सी फेसिंग फोर्ट है। बाकी एक क्लिफ भी है यहाँ पर, ऊपर खड़े होकर आपको और अच्छे से सी व्यू दिखाई देता है, ऐसा लगा जैसे आप वर्कला बीच से देख रहे हैं, ऐसा हमको एक्सपीरियंस हुआ। सर, सो नाइस यू हेल्प्ड अस ऑन दिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। फोर्ट से 3 किलोमीटर का सफर करके अभी हम कन्नूर बीच आ गए। ये सब पास पास ही है, जैसे टाउन से फोर्ट 3 किलोमीटर और वहाँ से आगे फर्दर 3 किलोमीटर। 10 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट ले ली है। अब हम सामने बीच की ओर जा रहे हैं। वाओ, कितना खूबसूरत ब्रिज बनाया है। आप देखिए सामने सी वाटर ज्वाइन कर रहा है और अंदर आ रहा है, तो ये बैक वाटर्स का अच्छा एग्जाम्पल है। काफ़ी खूबसूरत सी बीच है। इस समय 25-30 टूरिस्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बीच भी साफ है और व्यू का तो क्या कहने, सो ब्यूटीफुल। मौसम इस समय थोड़ा गर्म है, पूरी धूप निकली हुई है। ये पता लगाते हैं क्या चीज़ है। बटर मिल्क, वाटरमेलन, ओके। ये क्या, पाइनएप्पल, कैन आई सी दिस? अच्छा, ये सही है, पाइनएप्पल और ग्रीन चिली। वाओ, सो आप मुझे एक दे दीजिए। बीच के सामने ही स्टॉल है, पाइनएप्पल ग्रीन चिली, इस तरह से मैं पहली बार खा रहा हूँ। पाइनएप्पल जो मीठा होता है, अब उसमें ग्रीन चिली का फ्लेवर आ गया, मीठा कम हो गया और साथ में मैरिज होगी मिर्च के साथ। ये तो नहीं बोलूंगा कि ग्रेट एक्सपीरियंस है, लेकिन गुड एक्सपीरियंस जरूर है। मजा आ गया, सही है। मौसम गर्म हो और ऐसे तरबूज आप कटा हुआ खा लो तो आपकी गर्मी भाग जाती है। इसके साथ साथ इनके पास मैंगो, आंवला और ऊपर बटर मिल्क भी है। ड्राइविंग बीच यहां से कितना दूर है? 17 किलोमीटर, मुझप्पिलंगाड़ी ड्राइविंग बीच। नाम दोबारा बताओ। मुझप्पिलंगाड़ी ड्राइविंग बीच। अच्छा, 17 किलोमीटर हम जा रहे हैं अभी ड्राइविंग बीच। वाओ, ड्राइविंग बीच देखना अपने आप में एक्सपीरियंस है। ये जो ड्राइविंग बीच आप देख रहे हैं,
ये 5.5 किलोमीटर लंबा है, एशिया का लॉन्गेस्ट ड्राइविंग बीच, 4 किलोमीटर लेंथ तक गाड़ी में आप जा सकते हैं, उसके आगे रॉक्स हैं और यहाँ पर स्पीड लिमिट है 20 किलोमीटर की। तो मैं पहली बार ड्राइविंग बीच देख रहा हूँ, सुना तो मैंने बहुत है इसके बारे में, तो अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी एट दिस प्लेस। मजा आ रहा है देखकर, कैसे आप बीच के ऊपर गाड़ी चला रहे हो। अब हम यहाँ से थलेशरी जा रहे हैं, वहां चल के बिरयानी खाएंगे और आगे की कैलीकट की जर्नी करेंगे। फाइनली हम थलेशरी पहुंच गए, रारा एविस में हम जा रहे हैं बिरयानी खाने के लिए। चिकन बिरयानी मैंने अपने लिए मंगा ली है, साथ में मिला मुझको आचार और रायता। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया तो मैं आपको एक रेडी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। थलेशरी बिरयानी के अंदर ना काइमा राइस इस्तेमाल होता है, ये राइस छोटा होता है साइज़ में, जैसे आपने देखा हैदराबाद के अंदर बासमती राइस का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर छोटा राइस। इस रीजन के अंदर यहाँ की बिरयानी इतनी फेमस है कि अगर आपने किसी को थलेशरी बोल दिया तो आंसर आएगा बिरयानी आपने खाई कि नहीं खाई। ऊपर इन्होंने प्याज से गार्निश किया और नीचे ये देखिए आप ध्यान से, ये लेयरिंग है, ऊपर राइस की लेयर और नीचे मसाला जिसके अंदर चिकन है। अगर आप कन्नूर के पास हैं तो ये बिरयानी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत फेमस है। बाखूब ढंग से घी का इस्तेमाल किया राइस के अंदर, और ये राइस का टेस्ट ना ऑब्वियसली बासमती नहीं है तो खुशबू का एलिमेंट नहीं है, लेकिन मसाले के साथ जुड़कर राइस ने अच्छा टेस्ट दे रहा है। बड़ा कम चांस मिलता है कि बिरयानी के अंदर आपको इस तरह से देसी चिकन खाने को मिले, तो ऑर्डर देते समय इन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पर देसी चिकन यूज़ करते हैं, तो आपको एक चिकन का भी डिफरेंट टेस्ट आएगा, और राइस तो ऑब्वियसली मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। वाकई में देसी चिकन के टेस्ट में फ़र्क है और आप इसके फ्लैश में भी डिफरेंस नोटिस करोगे, देखिए फ्लैश में डिफरेंस है। और एक चीज़ और बड़ी ख़ास है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो मसाला है काफ़ी माइल्ड है, तो यहाँ बच्चे भी खा सकते हैं, सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। बिरयानी के साथ इस तरह से आचार मिलना, देखिए कितना डिफरेंट टेस्ट, और यहाँ का प्रॉपर सिस्टम आचार के साथ है। ये बड़ा गजब है, पहले मुझे मेंटली एक्सेप्ट नहीं हो रहा था आचार का क्या लॉजिक है, लेकिन थोड़ा बिरयानी खाओ, मतलब राइस खाओ या चिकन खाओ, और उसके बाद हल्का सा अचार ले लो खट्टा आम का, मस्त कॉम्बिनेशन है। थोड़ा थोड़ा अचार लगाओ और खूब इंजॉय करो। बिरयानी खाते खाते मैंने दो चीज नोटिस करी है, पहली बात यह है कि यह बिरयानी मेरे को लग रही है लाइट ऑन स्टमक, दूसरी चीज इसके अंदर जो गरम मसाले हैं, ये दो पीस हैं गरम मसाला, मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक मैंने खा लिया, सेकंड ये, इसके अंदर जो गरम मसाले हैं उनको पीस के इस्तेमाल किया गया है, खड़े मसाले नहीं डाले गए। रायता तो मैं भूल ही गया था, और ये आचार का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा, तो थोड़ा सा मैं रायता डाल के आचार भी साथ में लूँगा। वेरी गुड, आपको दिखाने के लिए ना मैंने राइस भी मंगा लिया, सामने प्लेट में पड़ा हुआ है, ये छोटा राइस है जिसको बोलते हैं काइमा राइस। थलेशरी बिरयानी के अंदर मैक्सिमम जगह इसी को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हमको चांस नहीं मिला कि हम लोग रेसिपी देख सकें कैसे बना रहे हैं, लेकिन आप यूट्यूब में सर्च करेंगे या गूगल करेंगे तो आप जान सकते हैं इस बिरयानी के बारे में। टू गुड, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो मिस मत करिएगा। जब आप केरला टूर कर रहे होगे
तो आप नोटिस करना, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे पानी आपको गर्म मिलेगा, तो टेक्निकली बिल्कुल सही है। खाना खाने के बाद गर्म पानी मतलब गुड फॉर डाइजेशन। दूसरा, आपको अक्सर टेबल में इस तरह से लोग ब्लैक टी पीते हुए दिखेंगे। मैं वैसे अपनी टॉप 10 बना रहा हूँ, मेरे को इस टूर में क्या क्या चीज़ें सबसे बढ़िया लगी है, मैं लास्ट एपिसोड में आपसे शेयर करूँगा। सही है, अब चाय ख़त्म करेंगे आराम आराम से पीकर। 5 बजने को हैं हमको कैलीकट जाना है, यहाँ से 2.5 घंटे लगेंगे अगर हम नॉन स्टॉप जाएंगे। बीच में हमको कपाड़ बीच भी रुकना है, अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, लेकिन फिर भी 5-7 मिनट जरूर रुकेंगे। इस समय हम माही से गुजर रहे हैं। कितना अजीब लगता है सोच के कि माही एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो चारों तरफ से केरला से सराउंडेड है, 3 तरफ कन्नूर और 1 तरफ कैलीकट डिस्ट्रिक्ट। माही पार्ट है पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का, यहाँ टैक्स एग्जेम्पशन है। हम लोग गाड़ी में डीजल डलाने के लिए जा रहे हैं, 7 से 8 रुपए पर लीटर फर्क है डीजल और पेट्रोल के अंदर। आपके रेफरेंस के लिए, माही इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बाय साइज। ज्योग्राफिकली बात करेंगे तो लगभग 9 स्क्वायर किलोमीटर में ये माही डिस्ट्रिक्ट बसी हुई है। फाइनली 7:30 बजे हम पहुंच चुके हैं कापड़ बीच। आपके सामने देखिए बीच है, अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बीच यही है, शांति है। हार्डली 4 या 5 लोग हैं इस समय यहाँ पर, और आधा घंटा 1 घंटा आराम से बैठ के आनंद ले सकते हैं जगह का। कोशिश करेंगे कल हम ड्यूरिंग द डे भी यहाँ पर आएँ। और आपकी जानकारी के लिए 1498 में वास्को डा गामा ने यहाँ पर लैंडिंग की थी। गार्डन के पास ही हम मेमोरियल देखने आए। यहां पर देखो लिखा हुआ है वास्को डा गामा लैंडेड हियर इन द ईयर 1498। कुछ हिस्टोरियंस का यह मानना है कि एक्चुअल लैंडिंग पंथलाइनी में हुई थी, जो कोल्लम के पास है। मैं कोल्लम डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, यहां पर भी एक एरिया जिसका नाम कोल्लम है। तो यानी 2 थॉट्स है, दिस प्लेस और दैट प्लेस। एक्चुअली में यहां पर पोर्ट नहीं है, तो वास्को डा गामा जब ही आए तो 170 लोग शिप में थे, तो वो रीजन है इस डिफरेंट थॉट का। एनीवेज अगर हम यहाँ पर दिन में आते तो खूब इंजॉय करते, थोड़ा टाइम और ज़्यादा स्पेंड करते। इस समय रात का टाइम है तो ये जगह मिस नहीं करना चाहते थे। अब हम चलकर कुछ खाते हैं और उसके बाद एंड टू द डे। अभी हम थोंडायान बाईपास रोड पर पहुंचे हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है। एंटर करते ही मेरे को यहाँ पे ना काफ़ी सारी नॉनवेज की वैरायटीज दिख रही हैं। आप देखो, हमने अपने लिए स्क्विड और चिकन की एक ब्रीड है जिसको क्वेल बोलते हैं, वो मंगा लिया अपम के साथ। स्क्विड का आप टेक्सचर देखो किस तरह से इन्होंने कुक किया है। वैसे मालाबार क्यूजीन के अंदर ना नॉनवेज की बहुत वैरायटीज हैं। स्पाइस तीखा कड़ी पे है, गरम मसाले एकदम हाई, और स्क्विड को बहुत अच्छे ढंग से कुक किया, एकदम डिफरेंट टेस्ट है। अभी मैं थोड़ा और खाता हूँ, आपको बताता हूँ। कॉम्बिनेशन रॉकिंग है अपम का स्क्विड के साथ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कैलीकट में आप फूड वैरायटीज देख के हैरान रह जाओगे और टेस्ट एकदम डिफरेंट मिलेगा। सच्चाई है, मैं जैसे जैसे वो खा रहा हूँ ना, वाकई बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ का टेस्ट एकदम अलग है, और वैसे हम कैलीकट ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन और बेहतरीन कुकिंग, भले गरम मसाला तेज है लेकिन मज़ा आ रहा है। इस रेस्टोरेंट में इस समय इतनी भीड़ देख के
ये अंदाज़ा तो कोई भी लगा लेगा कि बहुत पॉपुलर है, हर टेबल भरा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से हमें ये स्पेस मिली है यहाँ पर बैठ के खाना खाने के लिए। कहने का मतलब है ऑलमोस्ट वेटिंग चल रही है। चिकन की जो ब्रीड है ना, ये मेरे को यहाँ आके ही एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। ये वाकई स्क्विड खा के मजा आ गया। मैंने आज से पहले जब जब स्क्विड खाया ना, ज्यादा नहीं बट 4 या 5 बार, उन सारे एक्सपीरियंसेस में आज का मेरा ये एक्सपीरियंस स्क्विड का बेस्ट है। काफी अच्छा चिकन कुक हुआ है, वाकई मेरे को मन हो रहा था मैंने चिकन क्यों मंगाया, मैं स्क्विड का ही बड़ा पोर्शन ले लेता, लेकिन अच्छा किया वैरायटी के लिए मैंने चिकन ले लिया, क्योंकि जितना वो लाजवाब है उतना ये भी लाजवाब है। ये पर्टिकुलर ब्रीड ना चिकन की एकदम डिफरेंट टेस्ट है, वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर एंड वेरी जूसी, और तंदूर करने से मज़ा और बेहतर हो गया। ये जो रेस्टोरेंट हमने चूज़ किया बड़ा रैंडम बेसिस पे किया, हाईवे में चलते चलते एकदम से ब्रेक मार के रुक गए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि एकदम हमने राइट चॉइस चूज़ करी है आज के डिनर के लिए। बॉटम लाइन इम्प्रेसिव टेस्ट। कन्नूर से कैलिकट की जर्नी हमारी समाप्त हो रही है। बताइए ये छोटा एपिसोड आपको कैसा लगा। सुबह 12 बजे के चले, इस समय रात के 9 बज चुके हैं, रुकते 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 इंजॉय करते करते यहाँ पर पहुँचे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मालाबार रीजन का फूड बहुत फेमस है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। पहली बार हम लोग आए लेकिन इम्प्रेस हो गए। एनीवेज आपको क्या पसंद आया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। दैट्स इट, कल हम लोकल कैलिकट एक्सप्लोर करेंगे जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। जब हम अलपी से कैलिकट पहुंचे और मैं कैलिकट सी बीच के पास गया, मुझे वहां पर इतने सारे स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स देखकर अंदाजा हो गया कि ये जगह फूडीज के लिए हेवन है। उस समय तो हम रात में वायनाड चले गए, लेकिन हमने डिसाइड किया कि लौटकर कैलिकट आएंगे और यहां का फूड एक्सप्लोर करेंगे। बहुत फन है आगे की जर्नी में। काफी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स पूछते हैं कि केरला के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, तो उसका जवाब है कोलकाता। हमने बहुत एंजॉय किया कोलकाता का फूड और ट्रैवल। कोलकाता के बाद क्या, उसका जवाब है असम। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटमेंट भरे सफर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।